मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। तो गाइज सुबह सुबह मैं उठी हूँ, बाकी बच्चे सारे चले गए हैं स्कूल और आज आया है ऑर्डर, डिलीवर हुआ है जो मैंने 2 दिन पहले मंगवाया था। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बस 2 ही दिन में डिलीवर हो गया। बहुत ही ज़रूरी था मुझे। रू चले जाते थे ऑफिस और बच्चे सारे चले जाते स्कूल, तो मैं घर पे अकेली हो जाती थी। और सोना है कि मुझे कोई भी काम करने नहीं देती थी बिल्कुल, एकदम से इसको गोद में लेके और घर का काम भी मैं नहीं कर पाती थी। तो इसीलिए मैंने मंगवाया है बेबी कैरियर, जो कि मैं आशोना को कैरी करके सब काम कर सकती हूँ इसको साथ साथ लेके। बाकी हाथ में ऐसे लेके चाहे शोल्डर में लेके तो काम करना बिल्कुल भी नहीं बनता। तो आइए आपको भी दिखाते हैं कि कैसा मैंने मंगवाया है और कितने का मंगवाया है, कौन से एप्लीकेशन से मंगवाया है, सारा डिटेल आपको मैं अभी शेयर करती हूँ। तो गाइस ये मंगवाए हैं मैंने, देख सकते हैं आप। वेल चलिए आपको भी दिखाते हैं इसके अंदर का प्रोडक्ट का कलर क्वालिटी। आशोना ठंडी है बेटा। सो गाइस ये देखिए पिंक, इसकी शोना है बेटी मेरी, इसीलिए मैं इसके लिए पिंक मंगवाती हूँ। तो गाइज ये देखिए, ये है बेबी कैरियर, इसका कलर है पिंक और ये बहुत, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट है इसकी क्वालिटी, नो डाउट। बाकी आपको दिखाती हूँ कि इसमें एक साइड पैकेट भी दिया हुआ है कुछ कुछ रखने के लिए। बाकी मुझे इसलिए ये वाला पसंद आया है क्योंकि इधर एक बॉटल दिया हुआ है, बच्चे का दूध का बॉटल वगैरह या वाटर बॉटल वगैरह आप यहाँ पे साथ साथ बेबी के साथ साथ कैरी कर सकती हो कहीं भी घूमने जा रहे हो या कहीं भी। और ये क्या है कि 3 पोजीशन में इसको आप ले सकते हो। बाकी ये रूबी ले सकती हैं, कोई जेंट्स भी कैरी कर सकता है और फिर लेडीज़ भी कोई भी कैरी कर सकता है। बाकी कभी कभी हम बाहर जाते हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और बाकी मैंने घर के लिए ही मंगवाया है क्योंकि मैं एकदम अकेली पड़ जाती हूँ, घर का काम कुछ हो नहीं पाता है इसको लेके। सो यही मैंने मंगवाया है और इसको अभी मैं डालकर आपको दिखाती हूँ, शोना को कैरी करके भी दिखाऊँगी इसमें कि कैसा लग रहा है। मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस होगा वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आइए कंटिन्यू बने रहिएगा। और गाइस अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिस्टर एंड मिसेज राणा, रोहित और उपासना। सो चलिए आपको कैरी करके शोना को दिखाती हूँ। A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pulls us from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top, we're gonna be 2 hearts running wild. Now the morning is the afternoon, we lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass, we're gonna do it. तो गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने शोना को बैठा दिया एकदम से कंफर्टेबल होके, अब मैं एकदम फ्री होके खड़ी हो जाती हूँ, घूम जाऊँगी गोल गोल और बाकी सारा भी काम कर लूँगी घर का। इसको बहुत टेंशन होता है मुझे शोल्डर में लेने से। सो शोना हैप्पी
ये भी बता दो वीडियो में कि कितना सेफ्टी है बच्चे के लिए तुम्हारे लिए। हाँ, कोई बच्चे के लिए चांस तो नहीं है इसमें, कमजोर तो नहीं है? नहीं, रिव्यू मैंने देखा था इसका, तो रिव्यू में सबका बहुत ही अच्छा रिव्यू था कि बेस्ट है, मतलब बहुत अच्छा है, सबने अच्छा रिव्यू दिया था, तब जाके मैंने ये वाला परचेस किया है। बाकी क्वालिटी कैसा है, लॉक सिस्टम सब ठीक है? कोई रिस्क तो नहीं है ना कि बच्चा वहाँ से खुल जाए तो बच्चा कहीं आगे आ जाए, छपाक से आगे आ जाए, ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं, अभी फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, मैं फर्स्ट टाइम ही यूज कर रही हूँ ना, तो उतना मुझे वो नहीं, इसका गर्दन तो नहीं मुझे नहीं। तो चलिए गाइस, और बाकी मैं तो फर्स्ट टाइम ही यूज कर रही हूँ, इसको यूज करती हूँ फिर मैं अपना जो एक्सपीरियंस। गर्दन दबाए क्या देखो तुम? हाँ, गर्दन ना खुला हुआ है यहाँ से ना। हाँ, खुला ना देखो। हे, ऊपर देख रही देखो। आप देख सकते हैं कि मैं सोना को भी कैरी की हूँ और साथ में किचन का भी काम कर रही हूँ, नाश्ता बना रही हूँ, एक तरफ चाय, एक तरफ इधर बना रही हूँ नाश्ता। बहुत ही कंफर्टेबल है, मतलब आपको पहले ही दिखाया, बहुत ही कंफर्टेबल है। और मतलब मज़े की बात ये है कि शोना भी बहुत इंजॉय कर रही है। ये भी बहुत इंजॉय कर रही है, इसको भी बहुत मज़ा आ रहा है, तो इसको कंफर्टेबल लगना चाहिए बच्चे को, बाकी मुझे भी कंफर्टेबल ही लग रहा है। और जो साइड में जो यहाँ पे बेल्ट लगा हुआ है, इससे क्या ना एकदम एकदम टाइट हो जाना, तो बैक में भी अच्छा लग रहा है। हाँ, तो मेरा भी ऐसे स्ट्रेट रह रहा है। सो लग रहा कांगारू की बच्चा है। तो इसको भी मैंने फर्स्ट ऐसे फ्रंट पोजीशन में लिया है, बाकी इसको जब सोने का इसका होगा तो इसको मतलब अब ऐसे पलट के भी ले सकते हैं सीने के बल। ऐसे मुंह बंद कर, पागल हो गया। हाँ चलो। सो और आज ऐसे ही पूरा दिन मैं काम करने वाली हूँ अपना, और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज का पूरा काम। हो गया है रात को, अभी बज रहा है 11:30, 12 बजे में ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि अब 12 बजे भी चुड़ैल भूत सब आते रहती है। तो अभी देखा है आपको, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए उपासना को, उपासना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैठी हुई है आज, मस्त बिंदी भी लगा के, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं देख रहा हूँ कि उपासना आज बिंदी भी लगाई है, क्योंकि बिंदी जल्दी लगाना मानती ही नहीं है, और खुद से अपना से सब कुछ करते रहती है, तो आज बिंदी लगाई है। थोड़ा सा फेस भी इसका बहुत अच्छा दिख रहा है, देखिए आप गाइस, आप खुद बताइएगा कि फेस कैसा दिख रहा है इसका बिंदी लगाइए तो। देखिए, दिखाओ जी बिंदी अपना। हाँ, कितनी सुंदर लग रही है बताइए। महिमा चौधरी भी फेल इसके सामने। महिमा चौधरी ना, महिमा चौधरी भी फेल, ये भी सुन रही है, तो काफी ज्यादा खुश लग रही है। बाकी यहाँ पे सोना जो ये भी सुन रही है, चंदा टीका टीका देखिए, काला टीका लगाइए एकदम, काजल पूरे मुंह में लगाइए, पूरा सकल ही काजल से पूरा काला कर लिया अपना। जब भी ये काजल लगाती है ना, तो मतलब सकल पूरा एकदम एकदम फैला लेती है, पहचान में नहीं आती है कि शोना है ये। सो गाइस, 11:30 हो रहा है और किचन का काम अब भी ख़त्म हुआ है हमारा। शोना को भी मालिश कर रही हूँ, इसको भी मालिश वगैरह करके इसको भी सुला दूंगी, और आज बहुत टाइम के बाद बिंदी लगाई हूँ, बिकॉज कि आज रील्स बनाया हमने कुछ, बहुत टाइम के बाद आज रील्स बनाए तो अच्छा लग रहा था। हाँ, 2 साल के बाद रील्स बनाई है, एक ही बार 10 रील्स बना ली एक ही बार। तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, और क्या बोली, अब हमारा इंस्टाग्राम आईडी में जाकर देख लेना रील्स, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। इंस्टा आईडी क्या है तुम्हारा? उपासना रोहित राणा ना? हाँ, इंस्टा आईडी और यूट्यूब आईडी सेम है। तो गाइस, अभी ज़्यादा लेट ना कीजिए, देखिए इनको लाइक कीजिए, हमें भी देखिएगा, हम भी एक गाने में है या मेरा भी कुछ किरदार है, थोड़ा सा एक्टिंग हम भी कर लेते हैं, लिफ्टिंग भी थोड़ा हिला लेते हैं ऐसे चोंच करके। देख लीजिएगा आप लोग, देखिएगा तो हंसिएगा मत, हंसिएगा तो थोड़ा कमेंट करिए दीजिएगा का। तो हंस, आपको हंसाने के लिए तो हम बनाते हैं, तो हंस दीजिएगा, हंसना सेहत के लिए अच्छा है। तो कैसी लग रही है, देखा शक्ल, दिखा अपना गाइस को। ओह माय गॉड, तू कौन है? तो गाइस चलिए, इस वीडियो को मिल करते ही पे खत्म, मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग्स में। सो देखते हैं कल क्या आपको दिखाते हैं क्या नहीं, अभी तो खास जो भी है दिखाई दिया मैंने आप लोगों को। अभी क्या है ना, और एक बात, आप मैंने आपको जैसे कि दिखाया है कि बाबू का मैंने बेबी करियर मंगवाया था, बेबी कैरी बैग, तो वो सब सुबह ही डिलीवर हुआ है, तो वो सब कुछ आपको दिखाया, तो आपको हाँ, कैसा लगा ना ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी कल मैं उस कुछ यूज़ करूँगी,
और अच्छे से प्रॉपर उसको यूज़ करूँगी, उसको यूज़ करके घर का सारा काम आपको कल के ब्लॉग में मैं दिखाऊँगी और मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि हाँ उसको कैरी बैग में कैरी करके घर का काम हम करना कंफर्टेबल है कि नहीं है, ये सारा चीज़ कल के ब्लॉग में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। सो ये वाला ब्लॉग भी आप लाइक कर दीजिएगा, और आपको पसंद आए तो या नहीं भी आए तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है एक ब्लॉग बनाने में। बाकी कल का ब्लॉग भी ज़रूर देखिएगा, कल के ब्लॉग में जो मैंने बताया वो सब मैं शेयर करने वाली। सो होप कि अब क्या बोलूँ, गुड नाइट, 11:30 हो रहा है, कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। क्या तो चलिए दोस्तों, खाना पीना सब आप लोग भी खा लीजिए, नहीं खाए होंगे तो जाके कृपया करके खा लीजिए। अब मिलते हैं 11:30 मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग्स में गाइस। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, टाटा बाय बाय, थैंक यू गाइस यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए, थैंक यू सो मच, बाय।